गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा विषय है वे पालतू कुत्ते के बारे में है और जिसका नाम है शेरू। वैसे तो हर अधिकतर लोगों के घर में पालतू कुत्ता होता ही है और उनका अलग अलग नाम से हम लोग उन्हें पुकारते हैं। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं इस पाठ को एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। मैंने घर पर कुत्ता पाला है, सफ़ेद थोड़ा सा काला, रोटी उसे खिलाता हूँ मैं, उसको दूध पिलाता हूँ मैं, सुबह शाम उसको टहलाता, हर रविवार उसे नहलाता, जब शेरू को पास बुलाता दौड़ा आता पूंछ हिलाता, पिछली टांगों पर उठ जाता, कुकू करके प्यार जताता, उसे बगीचे में ले जाता, गेंद फेंकता मैं वो लाता, यह घर की रखवाली करता, चोर नहीं अंदर आ सकता, जरा सी आहट यदि सुन पाता भौं भौं करके शोर मचाता, सब शेरू को करते प्यार, ये है घर का पहरेदार। यानी कवि कहता है कि मैंने घर पर एक कुत्ता पाला है और उस कुत्ते का रंग थोड़ा सा सफ़ेद और थोड़ा सा काला है। वैसे दिखने में सफ़ेद ही है लेकिन थोड़ा सा काला है। मैं उसे रोटी खिलाता हूँ और दूध भी पिलाता हूँ, सुबह को भी उसे घुमाने ले जाता हूँ और शाम को भी उसे घुमाता हूँ, और हर रविवार को मैं उसे नहलाता हूँ। जब भी मैं शेरू को बुलाता हूँ तो वो दौड़कर आता है, दौड़कर पूंछ हिलाते हुए मेरे पास आता है। आते ही वो पिछली टांगों पर उठ जाता है और कुकू करके प्यार जताने की वो कोशिश करता है। फिर मैं उसे बगीचे में ले जाता हूँ, वहाँ मैं गेंद फेंकता हूँ तो दौड़ कर जाता है और गेंद को पकड़कर लाता है। इस तरह हम लोग खेलते हैं और शेरू घर की रखवाली भी करता है। रखवाली, पहरेदार, ध्यान कि चोर अंदर ना आ सके। जब भी वो हल्का सा भी आवाज़ सुनता है तो भौं भौं करके शोर मचाना शुरू कर देता है। सभी लोग शेरू को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये घर का है, पहरेदार भी है। इस कविता के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलता है कि कुत्ता स्वामी भक्त व वफादार पशु है। शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। टहलाना मतलब घुमाना, जताता प्रकट करना, पहरेदार रखवाला, आहट चलने या हिलने से होने वाली हल्की सी आवाज़। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मेरे कुत्ते का क्या नाम है? मेरे कुत्ते का नाम शेरू है। मैं कुत्ते को क्या खिलाता हूँ? मैं कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ। मैं कुत्ते को क्या पिलाता हूँ? मैं कुत्ते को दूध पिलाता हूँ। मैं कुत्ते को किस दिन नहलाता हूँ?
मैं कुत्ते को रविवार के दिन नहलाता हूँ। मैं कुत्ते को घुमाने के लिए कब ले जाता हूँ? मैं कुत्ते को घुमाने के लिए सुबह शाम ले जाता हूँ। मैं सुबह शाम कुत्ते को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। कविता की पंक्तियाँ को देखो, उसे डैश में ले जाता, उसे बगीचे में ले जाता, गेंद फेंकता मैं वो लाता, यह घर की रखवाली करता, चोर नहीं अंदर आ सकता। जरा सी आहट यदि सुन पाता, भौं भौं करके शोर मचाता, सब शेरू को करते प्यार, यह है घर का पहरेदार। तीसरे प्रश्नों पर बढ़ते हैं। सूची की सहायता से समानांश शब्द लिखिए। चौंकना, प्यार, पाला, नहलाता, खिलाता, मूछ। शब्द हमारे सामने हैं। काला, इससे मिलता जुलता शब्द देखो, पाला जो कि लिखा हुआ है। पिलाता कौन सा होगा? खिलाता। भौंकना, चौंकना। टहलाता, नहलाता। पूंछ, मूंछ। पहरेदार, प्यार। प्रश्न चार पे देखो, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, बच्चा कुत्ते को क्या खिलाता है? रोटी, सब्जी, अनार। तो हमारा उत्तर है रोटी। कुत्ते का क्या नाम है? मोती, शेरू, भूरा। शेरू। शेरू घर का क्या है? मालिक, सिपाही या पहरेदार? तो हमारा उत्तर है पहरेदार। शेरू क्या लेकर आता है? गेंद, खाना, बिस्कुट। शेरू क्या लेकर आता है? गेंद। धन्यवाद।